लंकेश्वर मेरे बड़े भ्राता हैं। मैं उनकी कूटनीति और युद्ध नीति दोनों से परिचित हूं। अब वो वानर सेना पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करेगा रघुनंदन। शत्रु के आक्रमण का सामना करने के लिए हम प्रस्तुत रहेंगे विभीषण जी। श्री राम, मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं, शत्रु को आक्रमण करने का अवसर न दीजिए। लंका को चारों ओर से घेर लीजिए। रावण कई मोर्चों पर एक साथ नहीं लड़ सकेगा। प्रभु, हमने अपनी वानर सेना को लंका को चारों ओर से घेरने का आदेश दे दिया है। अब आक्रमण के लिए केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा। वानरा सुग्रीव, युद्ध का संचालन आप करेंगे, उचित समय पर उचित आदेश भी आप ही देंगे। प्रभु, आक्रमण करने से पहले विभीषण जी से परामर्श करना आवश्यक था, इसलिए हम इन्हें आपके पास लेके आए हैं। विभीषण हमें परामर्श दे चुके हैं, अब इसे कार्यान्वित करना हमारा काम है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। आपकी आज्ञा का शीघ्र ही पालन होगा। प्रभु, इस समय मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं। कैसा कर्तव्य? मुझे भी इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होने की आज्ञा दीजिए। यदि मैं आपकी सहायता न कर सका तो मेरा यहां रहना व्यर्थ है। विभीषण जी, आप हमारे परामर्शदाता हैं, युद्ध में सम्मिलित होने का आदेश हम आपको कैसे दे सकते हैं? ऐसा क्यों प्रभु? विभीषण जी, हम दो भाइयों को आपस में लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। यह हमारी नीति और न्याय के विरुद्ध है। जो आज्ञा प्रभु। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री राम। क्या कह रहे हो प्रहस्त? हमें अपनी युद्ध नीति बदलनी होगी। तुम्हारा ये कहने का साहस कैसे हुआ? अपराध क्षमा करें लंकेश्वर, अभी अभी सूचना मिली है कि विभीषण ने वानरों को लंका को चारों ओर से घेर लेने का परामर्श दिया है। अब हमें कई ओर से युद्ध करना होगा। वो नीच विभीषण इस नीचता पर उतर आया है। वो शत्रु की सहायता ही नहीं कर रहा, अपितु उसे परामर्श भी दे रहा है। ये तो होना ही था पिताश्री। अब उनके बारे में सोचकर कोई लाभ नहीं होगा। हमें अपनी रणनीति का रूप बदलना होगा पिताश्री, अन्यथा युद्ध से पहले हम शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घेर लिए जाएंगे। प्रहस्त, हम युद्ध की नई व्यूहरचना तय करेंगे। ठहरो मेघनाथ, शत्रु से इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। पहले हम उस कुल कलंक विद्रोही विभीषण को दंडित करेंगे। प्रहस्त, आज्ञा लंकेश्वर। हमारे बलिष्ठ विशिष्ट राक्षस सैनिकों को चुपचाप शत्रु शिविर में भेजकर विभीषण का वध करवा दो। जब तक हम उसके वध का समाचार नहीं सुनेंगे हमें शांति नहीं मिलेगी। ये कार्य बहुत कठिन है लंकेश्वर। शत्रु पहले से अधिक सावधान हो चुका है। एक बार हम शुक और सारंग को वानरों के रूप में वहां भेज चुके हैं। यदि राम उनकी रक्षा नहीं करते तो वो जीवित नहीं लौटते। हमारे सामने शत्रु की प्रशंसा करके हमारे क्रोध को ना जगाओ। जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। हमारे बलिष्ठ विशिष्ट राक्षस सैनिकों को वानर रूप देकर वानर शिविर में भेजो और विभीषण को ढूंढकर उसके टुकड़े टुकड़े करवा दो। इस समय वानर सेना युद्ध में व्यस्त है, उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं होगा। हमारी आज्ञा का तुरंत पालन करो। जाओ। जो आज्ञा लंकेश्वर।
शॉर्टकट। हम यहां तक तो पहुंच गए, परंतु विभीषण कहां है इस बात का पता कैसे चलेगा? प्रहस्त ने क्या कहा था, भूल गए? हाँ, प्रहस्त ने कहा था वानर शिविर पहुंचकर वानर का रूप धारण कर लेना और किसी वानर से पूछना विभीषण का शिविर कहाँ है, बस पता चल जाएगा। तो फिर तुरंत बदल लेते हैं रूप, यदि किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। हाँ। जय श्री राम। प्रणाम वानर वीरो। प्रणाम वानर वीर, क्या आप बता सकते हैं लंकापति विभीषण किस शिविर में है? लंकापति विभीषण संभवतः वो तो युद्ध क्षेत्र की ओर गए होंगे। युद्ध क्षेत्र की ओर? परंतु हमने तो सुना था वे युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते, उन्हें अपने प्राणों का भय है। हाँ हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, वो युद्ध क्षेत्र में नहीं जाते, उन्हें अपने प्राणों का भय है। तो फिर वे अपने शिविर में होंगे। चलिए मैं आपको उनके शिविर की ओर ले चलता हूँ, आइए। आश्चर्य है वानर वीरो, इतने दिन हो गए आपको वानर शिविर में रहते हुए, परंतु आपको लंकापति विभीषण का शिविर नहीं पता, और आप दोनों ने अपना नाम तो बताया ही नहीं। आश्चर्य है वानर वीर, इतने दिनों से आप इस शिविर में रह रहे हैं और आपको हमारा नाम नहीं पता। मेरा नाम है भ्रुकट, विकट। विकट? हाँ, और इनका नाम है अंबट। अरे भाई, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है संकट। संकट विकट। बहुत अच्छा नाम है भाई, तो चलिए। लंकापति विभीषण जी बाहर आइए। प्रणाम। प्रणाम विभीषण जी, ये दो वानर वीर आपसे मिलने आए हैं, ये है संकट। प्रणाम। प्रणाम। और ये है विकट। प्रणाम। संकट और विकट, क्या बात है वानर वीरों? वानर वीर, कृपया आप जाइए, हमें विभीषण जी से गुप्त मंत्रणा करनी है। गुप्त मंत्रणा? वानर वीरो, इस वानर शिविर में केवल श्री राम गुप्त मंत्रणा करते हैं, आप लोगों को यह अधिकार किसने दिया? लंकेश्वर ने। जय श्री राम। रावण के भेजे दुष्ट राक्षसों, अब तुम्हारा अंत निकट आ गया है, अब तुम्हारा स्वांग समाप्त हुआ। जय श्री राम। रावण के भेजे इन दुष्ट राक्षसों का अंत हो गया विभीषण जी, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। तुम धन्य हो हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। Ah!
वानर वीरो, मैं लंका नगरी से भलीभांति परिचित हूं। ये सामने लंका का मुख्य द्वार है और इस द्वार के दक्षिण की ओर भी एक प्रवेश द्वार है। उस द्वार के पास शस्त्रागार है और इस मुख्य द्वार के उत्तर की ओर भी एक प्रवेश द्वार है। तुम अपने कुछ वानर वीरों को लेकर उत्तर की ओर से प्रवेश करोगे और तुम दक्षिण की ओर से। मैं मुख्य द्वार पर आक्रमण करूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, प्रभु श्री राम हमारे साथ है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय लंकेश। वानर वीरो, आगे बढ़ो। प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रणाम वानर सुग्रीव। युद्ध की योजना अनुसार वानर सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है प्रभु। धन्य हो वानर सुग्रीव, हमने जिस उद्देश्य से लंका की भूमि में प्रवेश किया है उसकी पूर्ति युद्ध से ही हो सकती है। परंतु वीर हनुमान कहाँ हैं? हनुमान और युवराज अंगद वानर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। वानरों और राक्षसों के बीच घमासान युद्ध प्रारंभ हो चुका है और मैं भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में ही पहुंच रहा हूं प्रभु। हम भी भला युद्ध से कैसे दूर रह सकते हैं वानरराज? आप वानर सेना के सेनापति हैं, आदेश दीजिए हमें क्या करना है। ऐसा कहके मुझे लज्जित ना कीजिए भ्राता लक्ष्मण, हम सबको आदेश श्री राम से लेना चाहिए। नहीं वानर सुग्रीव, इस समय युद्ध का संचालन आप कर रहे हैं, हम सब आपके सैनिक हैं। जैसा आप कहेंगे, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। प्रभु, इस समय आपको युद्ध भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पहले आक्रमण में शत्रु की स्थिति देखकर ही अगले अभियान के बारे में निर्णय करेंगे। हाँ प्रभु, आप तो निर्णायक युद्ध ही लड़ेंगे, इस समय तो युद्ध प्रारंभ ही हुआ है। जैसी सेनापति की इच्छा, हम यहाँ किसी भी समय युद्ध के लिए उपस्थित रहेंगे। प्रभु, युद्ध की प्रगति के समाचार आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
क्या हुआ? वानर सेना लंका में घुस आई है और उसने मुख्य द्वार पर उत्पात मचा रखा है। हमारे कई राक्षस सैनिक मारे जा चुके हैं। कायरो, तुम उन निर्बल वानरों के भय से भाग कर आ गए। हम इसके लिए तुम्हें दंडित करेंगे, परंतु इससे पहले हम उन उत्पाती वानरों को काल के गाल में पहुंचाएंगे। चलो युवराज मेघनाथ, कहां छुपे बैठे हो? मारो, मारो! युवराज मेघनाथ की अंगद तुम। हाँ, माली पुत्र अंगद, श्री राम का सेवक अंगद, तेरे सारे राक्षस सैनिक मेरे वानर सैनिकों से पिट पिट कर पलायन कर रहे हैं, और तेरे पिता लंकेश्वर रावण पता नहीं लंका के किस अनजाने कोने में छुपे बैठे हैं। चुप रहे मूर्ख, अब देख लंका पर आक्रमण करने का परिणाम। तू यहाँ से जीवित वापस नहीं लौटेगा। जीवित कौन नहीं लौटेगा, ये तो समय ही बताएगा। मेघनाथ, मैं तो बस तुझसे दो दो हाथ करना चाहता हूँ। यदि तुझ में साहस है तो आ, मुझसे गदा युद्ध कर। अर्थात तू मेरी गदा के प्रहार से यमलोक पहुंचना चाहता है। बड़ी बड़ी बातें मत कर, उठा हथियार और झेल मेरा प्रहार। युवरागी की जय हो। क्षमा करें युवरागी, युवराज मेघनाथ युद्ध से बेसुध अवस्था में लौटे हैं। क्या स्वामी, स्वामी ये आपको क्या हो गया? स्वामी, स्वामी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? स्वामी मेघनाथ पुत्र नहीं, आप एक वीर माता हैं और मैं आपके पुत्र की सहधर्मिणी हूं। मैं नाग कन्या हूं और आप वीर मयासुर की पुत्री हैं। हमें कायरों की भांति आंसू बहाना शोभा नहीं देता। युवराज केवल मूर्छित हुए हैं
इन्हें कुछ नहीं हो सकता। जाओ तुरंत जाकर वैद्यराज को महल में बुलाओ। जो आज्ञा। क्या बात है वेदराज जी? स्थिति निराशाजनक है युवराज की। कैसी निराशा? स्पष्ट कहिए वेदराज जी। इन्हें मस्तक पर मार्मिक चोट लगी है, ज्ञानेंद्रियां सुषुप्त तो हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी औषधि गुणकारक सिद्ध नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सत्य कह रहा हूँ महारानी। राक्षस कुल में उत्पन्न युवराज मेघनाथ किसी साधारण शस्त्र से बेसुध नहीं हुए हैं। इनके वज्रास्त्र से बने मस्तक पर इतना भीषण प्रहार हुआ है कि कोई और होता तो प्राणांत हो जाता है। अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि वे इनके प्राणों की रक्षा करें। और कोई उपाय नहीं। प्रणाम। प्रणाम। माताश्री, मैं नाग माता की आराधना करने जा रही हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है वे हमारी सहायता अवश्य करेंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपनी नाग कन्या के सुहाग की लाज रख लो नाग माता, मेरे सौभाग्य की रक्षा करो। मेरी विनती स्वीकार कर लो माता। मुझे पूर्ण विश्वास है आप मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं करेंगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो नाग माता। मेरे स्वामी की रक्षा करो नाग माता, मेरे स्वामी की रक्षा करो। मेघनाथ, 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 तुम्हारे जैसा शक्तिशाली इंद्रजीत एक साधारण वानर से पराजित नहीं हो सकता। हम इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। हम पूरी वानर जाति को नष्ट कर देंगे। क्या मेघनाथ की ये दशा देखकर भी आपको वानरों के अतुल बल का अनुमान नहीं हो रहा है? मंदोदरी, वानरों का अतुल बल हमारी तुलना में हीन सिद्ध होगा। क्या तुम्हें इस बात का अनुमान नहीं है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो मंदोदरी। क्षमा करें स्वामी, जब तक आपका कथन सिद्ध न हो जाए मैं आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकती। क्या तुम हमारे अतुल बल से अनजानी हो? क्या तुमने हमारे पराक्रमों की कथा सुनी नहीं? आपने वानरों के बल से अपने बल की तुलना के विषय में मुझसे पूछा था। क्या तुम वानरों को हमसे अधिक बलवान समझती हो? ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा उत्तर पाकर आपका बल अधिक तो नहीं हो जाएगा? मंदोदरी, हमसे वाद विवाद करने की चेष्टा ना करो। आप व्यर्थ ही बात को तूल दे रहे हैं स्वामी। वानरों का बल सब देख चुके हैं। हनुमान ने क्या क्या किया है ये किसी लंकावासी से छिपा हुआ नहीं है। और आज एक वानर अंगद ने ही मेरे पुत्र पर प्राण घातक प्रहार किया है। ये समय आपको प्रश्नों और उत्तरों में नहीं गंवाना चाहिए। अभी तो आपको मेरे पुत्र मेघनाथ के प्राणों की चिंता करनी चाहिए। चिंता करना लंकेश्वर का स्वभाव नहीं है। वो शत्रुओं के प्रहारों का प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु को समाप्त करना जानता है और हम ऐसा ही करेंगे। शत्रु को समाप्त कर देने से मेरे पुत्र की सुध तो वापस लौट नहीं आएगी। राजवैद्य जी ने कहा है कि इस समय मेघनाथ पर कोई भी औषधि गुणकारी सिद्ध नहीं होगी। जब कोई औषधि कार्य नहीं करती तो लंकेश्वर के मन की शक्ति अपना चमत्कार दिखाती है और हम ऐसा ही करेंगे। इस समय लंका युद्ध भूमि बन चुकी है और राक्षसों का सेना नायक मेघनाथ यहाँ बेसुध पड़ा है। तो क्या आप युद्ध भूमि छोड़कर यज्ञ भूमि में बैठकर मंत्र शक्ति का आह्वान करेंगे? तो फिर नेतृत्वहीन राक्षस सेना का क्या होगा? तुम सत्य कहती हो मंदोदरी। इस समय युद्ध भूमि छोड़कर यज्ञ भूमि की ओर प्रयाण करना उचित नहीं है। हम इसी समय युद्ध भूमि की ओर प्रयाण करेंगे।
की, युवराज अंगद 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 की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, युद्ध का पहला चरण सफल रहा। आपके नाम के प्रभाव से राक्षस युवराज मेघनाथ इस गदा से धराशायी हो गया। क्या कह रहे हैं वानर युवराज अंगद? हाँ लंकापति, मैंने सोचा था कि मेघनाथ अतुल बलशाली है, उसे पराजित करना कठिन होगा, परंतु गदा युद्ध में वो अधिक समय तक टिक नहीं सका। अर्थात आपको अपने बल का अनुमान नहीं है, आप वानर राज बाली के पुत्र हैं युवराज अंगद। युवराज अंगद की। श्री राम के सम्मुख मेरी जय जयकार अशोभनीय है, अभी तो युद्ध आरंभ हुआ है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। आप सत्य कह रहे हैं अंगद, अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ है। मेघनाथ पर इस आघात से लंकेश्वर रावण की चेतना जागेगी और वो भीषण प्रतिप्रहार करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें सावधान हो जाना चाहिए प्रभु। सावधान तो हम हैं ही लंकापति, मेघनाथ के धराशायी होने के पश्चात राक्षस शिविर में शांति फैली हुई है, ऐसा लगता है कि उनका साहस डगमगाने लगा है। आश्चर्य है, अभी तक लंका नरेश रावण ने कुछ नहीं किया। रावण का आहत अभिमान उसे चुप नहीं बैठने देगा प्रभु, वानर सेना को सजग और सचेत रहना चाहिए। अवश्य विभीषण जी। आप निश्चिंत रहें लंकापति, वानर सेना का घेराव लंका पर अब और सिमट गया है। जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक वानर सेना लंका को घेरे रहेगी। वीर हनुमान कहाँ है अंगद? प्रभु, जब रावण मेघनाथ के आहत होने का समाचार सुनकर राजसभा से निकला तो हनुमान से उसकी मुठभेड़ हो गई। हनुमान से रावण की मुठभेड़? तब तो अवश्य ही भीषण युद्ध हुआ होगा, परंतु हमें यह समाचार अब तक क्यों नहीं मिला भैया? हनुमान यहाँ आते तो समाचार मिल ही जाता। परंतु ये तो बताइए, रावण हनुमान युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जब पहली बार हनुमान सीता मैया की खोज में लंकापुरी आए थे तो संभावना होते हुए भी रावण और हनुमान के बीच में युद्ध नहीं हुआ। वीर अंगद, हनुमान रावण के युद्ध का परिणाम जानने के लिए हम भी बहुत उत्सुक हैं, और हनुमान से मिलने के लिए भी। मुझे भी यही आश्चर्य है भैया कि हनुमान अब तक युद्ध भूमि से लौटे क्यों नहीं। वीर अंगद, आप शीघ्र ही पता लगाइए कि वीर हनुमान कहाँ है। जो आज्ञा प्रभु। हे नाग माता, तुम्हें मुझ पर मेरे सुहाग पर तनिक भी तरस नहीं आता। मैं नाग कन्या हूँ नाग माता, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मेरे सुहाग की रक्षा करो नाग माता, मेरे सुहाग की रक्षा करो। हे नाग माता, मेरे सुहाग की रक्षा करो। नाग माता, यदि अभी तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इसी समय अपना सर पटक पटक के अपने प्राण त्याग दूंगी। नाग कन्या सुलोचना, प्रणाम नाग माता। बस इतने में ही अपना धैर्य खो बैठी? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी पुत्री, मेरी कृपा से ही तुम्हारे पति को मृत्यु ने स्पर्श नहीं किया। कुछ ही समय में तुम्हारे पति सचेत हो जाएंगे और इतना ही नहीं अपने शत्रुओं को मृत्यु के समीप पहुंचा देंगे। जाओ सुलोचना, अपने पति के पास जाओ। प्रणाम नाग माता, प्रणाम।
माता, तुम धन्य हो। पुत्र, सुलोचना के पुण्य प्रताप से नाग माता ने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। जाओ पुत्र, शत्रु का नाश करो। अब मैं उन दुष्ट वानरों को जीवित नहीं छोड़ूंगा।